तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका भाई मोहम्मद साद। अभी की जो वीडियो है वो वीडियो है जो अभी तक के यूट्यूब पे किसी ने भी नहीं डाली है। जी हाँ, वीडियो का टाइटल आप देख के समझ ही चुके हैं, ब्रेक टेस्ट ऑफ सुपर मीटियोर। सुपर मीटियोर मेरी जो बाइक है ये मैं वापस ले आया हूँ सर्विस सेंटर से, जस्ट बिकॉज ऑफ उन लोगों से काम नहीं बन पाया इसका, और मैंने अपनी गाड़ी के वापस पुराने वाले शॉकर डलवा लिए हैं। आई सेड मेरी गाड़ी में पुराने शॉकर आप वापस डाल दो और मेरी गाड़ी मुझे दे दो और रिटर्न में लिख के दे दो, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी वो लव लेटर दिखा दिया उनका जो मुझे मिला है वहाँ से। ठीक है, तब तक मैं गाड़ी तो चला लूँ, क्योंकि अब लीगल होगा, लीगल नोटिस जाएगा, उसमें 1-3 महीने लगेंगे, और जो मेरे वकील साहब हैं वो वेडनेसडे को आ जाएंगे, तो मैं वेडनेसडे को कोर्ट में लीगल प्रोसीज करूँगा इसका। देन तब तक वेट करना पड़ेगा वेडनेसडे का, फिर केस डालेंगे रॉयल इनफील्ड पे राइट पुलिंग का और चेसिस बैन का, और केस डालेंगे इस चीज़ का भी जो मैं मेंटल परेशान हुआ हूँ, टॉर्चर हुआ हूँ, आना जाना चक्कर इधर से उधर, उधर से इधर, दिमाग ख़राब, उन सब का भी कंपनसेशन सब का लेंगे। किसी का वो कहते हैं ना, बाप का, माँ का, दादा का, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल। हाँ वही। सो ब्रेक टेस्ट मैं चेक करने के लिए आज बाइक को लाया हूँ, और ये वीडियो अभी तक के यूट्यूब पे किसी ने भी नहीं डाली है। हर किसी ने ड्रैग रेस डाली है, जो मोस्टली लोगों ने डाला है वो ड्रैग रेस ही करी है 0-100 लाइक, लेकिन किसी ने भी ये नहीं बताया, क्योंकि मैंने अपनी वीडियो के अंदर ये बताया था कि इसके ब्रेक्स जो हैं, देखो जो रिव्यू जेन्युइन है उसे, जो सही है उसे सही कहने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। इसके पिछले ब्रेक और अगले ब्रेक डेफिनेटली बहुत अच्छे हैं, तो बहुत अच्छे हैं। मैंने सुबह भी अपनी वीडियो में बताया था कि मैंने Z900 भी बहुत चलाई है, उसके अंदर भी ऐसे ब्रेक्स नहीं है जैसे ब्रेक इसके अंदर आते हैं जी, क्योंकि पिछले जो कैलिपर है उसके अंदर 2 पिस्टन डले हुए हैं। अब मैं आपको ना इसका रियल एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा कि गाड़ी कितनी देर में ऑलमोस्ट रुक जाती है। तो अभी मेरी बाइक चल रही है 60 की स्पीड में, अगर आपको दिख रहा हो तो मेरी बाइक चल रही है 60 की स्पीड में। मैं जब 3 बोलूँगा तब मैं ब्रेक मारूँगा और उसके बाद मैं काउंटिंग स्टार्ट करूँगा, तो उससे आप एक आइडिया लगा सकते हो कि बाइक को रुकने में कितना टाइम लगा है। अभी बाइक है स्टेबल 60 पे, 1, 2 एंड 3, 1, 2, 3, 4, ऑलमोस्ट 3.5 सेकेंड में गाड़ी 60 की स्पीड से पूरी रुक चुकी है। जो मेरे काउंटिंग का हिसाब था वो ऑलमोस्ट काउंटिंग वर्सेस सेकंड ठीक ठीक ही रहा होगा। दोबारा से एक ट्राई लेते हैं, एक अटैम्प्ट और लेते हैं, 60-0 पहले करके दिखाएंगे। अब मेरी बाइक जो है 60 की स्पीड पे आ चुकी है, यू कैन चेक, अगर मैं पास जाके दिखाऊं तो 60 से प्लस ही चल रही है, 60 मान लीजिए आप, 60 ही, अब बिल्कुल 60 पे है, करेक्ट। सो जब मैं 3 बोलूँगा तब फिर दोबारा ब्रेक मारना शुरू करूँगा और देखते हैं कहाँ जाके रुकती है, कितने सेकंड में। सो 1, 2, 3, 1, 2, 3, वही सेम, ऑलमोस्ट 3 सेकंड में 60 की स्पीड से 0 पे आ जाती है बाइक। तो बहुत अच्छे ब्रेक हैं यार, रिस्पेक्टेबल हैं, और सीरियसली इतने अच्छे ब्रेक्स रॉयल इनफील्ड को इस चीज़ के लिए धन्यवाद कि उन्होंने ऐसे ब्रेक्स इस बाइक के अंदर डाले हैं। और अब करते हैं इसका 80-0 टेस्ट। मैं टेस्ट करूँगा 60-0 वो कर चुका हूँ, आपको दिखा चुका हूँ, फिर 80-0, फिर 100-0, और फिर एंड वाला 120-0। ओके, तो अभी करते हैं 80-0। सो बाइक को पहले थोड़ा रेव करते हैं 80 पे, अभी 80 हो चुकी है मेरी बाइक, ये चढ़ाई चढ़ रही है तो इसे चढ़ाई पहले चढ़ने देते हैं, क्योंकि फिर ऑब्वियसली प्रेशर आता है ऊपर चढ़ने में तो जल्दी गाड़ी रुक जाती है, और इसे नीचे भी उतरने देंगे क्योंकि उसके बाद भी प्रेशर आता है नीचे उतरने में प्रेशर आता है कि गाड़ी को पुल मिलता है तो वो थोड़ी देर में रुकती है। तो जो एक स्टेबल रोड आने के बाद इसको ट्राई करेंगे। सीरियसली यार बहुत ही ज़्यादा बेकार हैं इसके सस्पेंशन, अगर आपको गड्ढे लग रहे हैं, मतलब गड्ढे वाले रोड पर आप चल रहे हो तो आपको प्रॉब्लम होगी, आपको दुखी होना पड़ेगा इसके सस्पेंशन से। इतने बुरे सस्पेंशन मेरी उस वाली बाइक के नहीं है, इंटरसेप्टर के, जितने सीरियसली कंपैरिजन के अकॉर्डिंग इसके हैं। ब्रेक्स की बात चल रही है, आज टॉपिक अपना ब्रेक का है, तो मैं ब्रेक आपको भी दिखाऊंगा 80 के बाद, तब तक कर लेते हैं अपनी 1-2 बातें और
आज जैसा आपने देखा मेरी वीडियो में कि उस मेरी बाइक के अंदर फ्यूल इंजेक्शन का प्रॉब्लम था, तो मैं सर्विस सेंटर लेकर गया हूँ उसको, और जमा हो चुकी है गाड़ी, एक दो दिन में सर्विस सेंटर से मिल जाएगी। फिर मैं कुछ पॉइंट्स हैं वो कवर करूँगा इंटरसेप्टर और सुपर मीटियोर के बिटवीन, कि क्या होना चाहिए दोनों के अंदर, क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या क्या फ़र्क, तो बहुत सारे हैं फ़र्क, तो सीरियसली बहुत सारे हैं। सिमिलैरिटीज़ जो हैं वो मैं आपको बताऊँगा, जिससे आपका ये चूज़ करना आसान हो जाएगा कि आपको सुपर मीटियोर लेनी चाहिए या फिर आपको आपकी राइडिंग के हिसाब से इंटरसेप्टर या जीटी लेनी चाहिए। सो अब आने वाला है रोड, सिंपल रोड, स्ट्रेट, बिल्कुल फ्लैट रोड, उस पर मैं आपको दिखाऊंगा, और बाइक खड़ी करके ये भी दिखाऊंगा कि मेरी बाइक के अंदर उन लोगों ने शॉकर वापस डाल दिए हैं और क्या काम उन्होंने किया था लास्ट टाइम जब मैं बाइक लेकर आया था, तो उन्होंने क्या क्या काम किया था और किस तरीके से मेरी गाड़ी के अंदर जो जो काम हुआ है, एक एक काम मैं आपको दिखाऊँगा। और आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, ये है मोबाइल होल्डर का माउंट, इस पर मेरा मोबाइल होल्डर लग जाता है, तो वो ये भी बोल रहे थे कि आपने ये लगा रखा है ना, इस वजह से आपकी गाड़ी राइट में पुल हो रही है। आप खुद कमेंट करके मेरे को बताना कि क्या ये सेंस बना ये चीज़ बोलने का, कि आपने ये लगा रखा है तो आपकी गाड़ी राइट में पुल हो रही है। आप खुद सोचें, अगर मैं इस बाइक पे कोई चीज़ लेफ़्ट में प्रेशर डालूँगा, देखो जस्ट लाइक दिस, मैंने ये हैंडल ये पकड़ा है लेफ़्ट में, और अब मैं इसको प्रेशर डालूँगा थोड़ा सा यूँ, तो गाड़ी लेफ़्ट में पुल होगी, ठीक है ना। अगर मैंने इस पे इस हाथ पे प्रेशर डाला है तो गाड़ी राइट में पुल होगी। अगर मैं इस पे सामान रख दूँगा तो गाड़ी लेफ़्ट में पुल होनी चाहिए कि राइट में, लेकिन उनके हिसाब से उन्होंने बोला कि नहीं सर, आपने ये भी हटाया, उन्होंने इसे हटा के भी चेक कर लिया, फिर भी उनसे काम नहीं बना। अब फाइनली हमें कोर्ट ही जाना है, हम ऑलरेडी इस बारे में बहुत डिस्कस कर चुके हैं। मैं जब भी बात करता हूँ मेरा मूड ही अपसेट हो जाता है इस बाइक को लेके, क्योंकि इस बाइक के अंदर मैंने बहुत कुछ कराया है, शुरू से ही आते ही इसके अंदर मैंने बहुत सारे काम कराए थे, क्योंकि मुझे तो इस बाइक से राइड करना था ना कि ड्रामेबाजी करनी थी, जो कि मेरे साथ हो रही है। सो आगे है सीधा रोड, वेलकम टू हिंडन एलिवेटेड गाज़ियाबाद रोड। तो मैं आपको इस रोड पर दिखाऊँगा 60-0 कितनी देर में ये बाइक करती है। मे बी वॉइस थोड़ी सी ऊँच नीच हो सकती है, क्योंकि बिल्कुल जो माइक है वो तो एग्जैक्ट लगा हुआ है, लेकिन हवा तेज़ आती है, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो अब ये मेरी बाइक जो आ चुकी है वो 80 पे आ चुकी है प्रॉपर, अभी थोड़ी सी रोशनी होने दीजिए, आने वाली रोशनी जी, तो 80 से अब मैं ब्रेक मारना शुरू करूँगा, जब मैं 3 बोलूँगा तब स्टार्ट करूँगा काउंटिंग, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, ऑलमोस्ट 4.1, मतलब 4.25 सेकंड के आसपास आपकी गाड़ी 80 से 0 पे आ जाती है। एक और अटेम्प्ट लेते हैं, ओके लेट्स डू अ थिंग अगेन, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, सेम 4 सेकंड से थोड़ा सा ऊपर, मतलब अगर मैं इस हिसाब से बताऊं 4.1 सेकंड का हिसाब किताब है, 4.25 सेकंड से भी नीचे, तो 4.5 सेकंड तो होने ही नहीं देता, 4.25 सेकंड से नीचे ही 80 से नीचे बाइक आ जाती है। अब ट्राई लेंगे इसका 100 पे, कि 100 पे 0 कितनी देर में करती है, क्योंकि बाइक के जो ब्रेक्स हैं लाजवाब हैं यार, लाजवाब। एक काम को तो किसी चीज़, कोई चीज़ हमारे को ख़राब मिल गई है, लेकिन इस चीज़ के अंदर कुछ अच्छा है, तो उस लिए भी थोड़ा सा ठीक है यार, हमें कुछ तो अच्छा दिया है रॉयल इनफील्ड ने, बहुत सारी चीज़ें इसमें ख़राब हैं। सो बाइक 100 टच कर चुकी है, ये मेरी बाइक है 100 टच कर चुकी है। मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, जो आप लोग कह रहे थे ना कि भाई तेरी बाइक में क्या प्रॉब्लम है, तू वो हमें दिखा, मतलब तेरी बाइक कैसे राइट में पुल होती है वो हमें दिखा। तो देखो अभी आप देख सकते हो मेरी बाइक चल रही है बिल्कुल सीधी, ठीक है, थोड़ा सा पीछे हो जाता हूँ ताकि आपको दोनों हैंडल बार दिखें। अब जब मैं हैंडल छोड़ूंगा तो आप देखना, अब मैं हैंडल छोड़ रहा हूँ 1, 2 और 3, ये देखो आप, थोड़ा सा मैं पीछे हो जाता हूँ आपको दिखाने के लिए, देखो मेरी बाइक बिल्कुल डिवाइडर में जाके घुसने वाली है। ये मेरे साथ प्रॉब्लम है यार, मेरे को हाथ छोड़ के चलाने का कोई शौक नहीं है, अगर मैं इस बाइक को 100 किलोमीटर चला लूँगा मेरे हाथ में दर्द हो जाएगा। देखो वन मोर टाइम आपको दिखाता हूँ, अभी बिल्कुल सीधी चल रही है बाइक, क्योंकि मैंने पकड़ रखा है, जैसे ही मैं छोड़ूंगा देखो 1, 2 और 3, ये मैंने छोड़ा, देखो बाइक राइट में घुसना शुरू हो गई, देखो 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 ये देखो। सो बैक टू द पॉइंट, मैं आ जाता हूँ अपने पॉइंट पर वापस, कि 100 से ब्रेक मारना शुरू करेंगे, थोड़ा रिस्की है
तो मैं इसको हजार्ड लाइट ऑन कर देता हूँ। सो 100 से ब्रेक मारना शुरू करेंगे, देखते हैं कितनी देर में बाइक रुकती है। इस 100 100 की स्पीड पर बाइक चल रही है, जब मैं 3 बोलूँगा तब काउंटिंग स्टार्ट। 1 2 3 1 2 3 4 5 5 सेकंड के अंदर, सीरियसली गाइस, सीरियसली यार, 5 सेकंड के अंदर 100 से 0, मतलब आप 100 की स्पीड में चल रहे हो, आपने ब्रेक मारा और जस्ट 5 सेकंड, विद इन अ 5 सेकंड आप 0 पे। एक बार और दिखाता हूँ आपको, सो 100 पे बाइक आ चुकी है। एज यू कैन सी 100 पे बाइक चल रही है। अब मैं दोबारा से ब्रेक मारना शुरू करूंगा 3 पे। 1 2 3 1 2 3 4 5 विद इन 5 सेकंड्स बाइक 100 से बिल्कुल 0 पे आ जाती है। बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेबल ब्रेक्स हैं इसके, बहुत ही ज़्यादा। तो करते हैं अब अपनी अगली बातें, 120 वाला जो पॉइंट है वो भी थोड़ी देर बाद लेंगे, दो चार बातें कर लें हम अपनी, उसके बाद में 120 वाला जो पॉइंट है वो दूसरे रोड पे लेंगे। 120 करेंगे अनदर वाले रोड पे, दूसरे रोड पे यू टर्न लेने के बाद। तब तक मैं आपसे बात करता हूँ, कुछ बात मुझे ये करनी है कि मेरी पूरी जर्नी के अंदर, आपने पूरी जर्नी मेरी देखी है जब से मैंने बाइक ली है, तब से मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। आप लोग मुझे जब अपनी बातें बताते हैं मुझे अच्छा लगता है सुनना, जवाब देना भी मुझे अच्छा लगता है। आप लोग मुझे बताते हैं कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ, हमारे साथ भी इस कंपनी ने ऐसा करा, हमारे साथ उस कंपनी ने ऐसा करा, तो कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम हुई। उसके बाद जब आप मुझे बताते हैं तो मैं आपकी बातों का जवाब भी देता हूँ, उनको समझता भी हूँ, आपके सजेशंस भी मानता हूँ। तो आप मुझे सजेस्ट कीजिए कि मेरे को किस तरीके की वीडियोस बनानी चाहिए। मैं तो फ़िलहाल जो कर रहा हूँ वो जेन्युइन रिव्यूज़ दे रहा हूँ अपनी बाइक को लेकर, जो मेरे पे 2 बाइक हैं उन पे। उसके बाद मैं फ्यूचर में क्या करूँ, ये तो यार आप लोगों ने इतनी मोहब्बत दिखा दी कि इतना प्यार दे दिया मेरी वीडियोस को, सीरियसली मैंने सोचा भी नहीं था कभी भी कि अभी मुझे चैनल स्टार्ट करे हुए थोड़ा ही टाइम हुआ है, ऑलमोस्ट 8-10 दिन 15 दिन, और इतना प्यार मुझे मिलेगा आप लोगों से। रियली दिल से थैंक यू सो मच आप लोगों का कि आप लोगों ने इतनी मोहब्बत दिखाई है मेरे चैनल पर। मेरा क्या, आपका खुद का चैनल है, क्योंकि मैं आपका ही भाई हूँ। सो आप मुझे गाइड करें, आप मुझे सजेस्ट करें कि कैसी चीज़ें, क्या चीज़ आपको देखनी पसंद है, मैं वही चीज़ आप लोगों के लिए लेकर आया करूँगा, चाहे वो कंपैरिजन हो, चाहे वो जेन्युइन ऑथेंटिक रिव्यू हो, कि जो चीज़ मुझे लग रही है वो मैं बता रहा हूँ। मुझे कोई लालच नहीं है और ना ही मुझे किसी के बाप का डर है, ये मेरे को सीरियसली बिल्कुल क्लियर है बात। मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, ना मुझे कोई दे रहा पैसे कि यार आप मेरा ये ऐसे मत करो, या मुझे ऐसे मत बोलो, या मेरी गाड़ी को ऐसे मत बोलो, या मेरे ब्रांड को ऐसे मत बोलो। जो जेन्युइन चीज़ मुझे फील हुई वो मैं आपको बताऊँगा, तो आप मुझे बताना मुझे क्या करना चाहिए। दूसरी बात जो वो है वो ये है कि यार देखो, मेरा खुद का भी काम है मोबाइल फ़ोन्स का, तो मैं ज़्यादा वीडियोस ना जैसे आपके लिए अभी लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि अभी तो रिसेंट टॉपिक चल रहा है लगातार एक के बाद एक, तो डेली बेसिस पे कभी 2 वीडियोस भी आ जाती हैं, कभी 1 वीडियो भी आती है। तो फ्यूचर में ऐसा ना हो पाए शायद, तो 2-3 दिन में 1 वीडियो आएगी तो आने से चलेगा, आप लोग मुझे बताना, क्योंकि मुझे उधर भी ध्यान देना पड़ता है। तो आप मुझे बताना कि 2-3 दिन में 1 वीडियो आने से चलेगा, या फिर जैसे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ ऐसे ही करता रहूँ, और आप लोग मुझे बताना मुझे करना क्या है। और तीसरी बात ये है कि एक छोटा सा सरप्राइज़ है आप सब लोगों के लिए, हमारी फैमिली के लिए, कि आप सब इतना आप लोगों ने मुझे प्यार दिया है। तो मेरी जो बात हुई है वकील साहब से, मेरे लॉयर से, उनसे मेरी ये बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे ये बोला था कि आपका जो केस है वो बिल्कुल जेन्युइन है और 1 या 2 हियरिंग के अंदर ये ख़त्म हो जाएगा। सो फिर आपकी गाड़ी भी रिटर्न हो जाएगी, और अगर गाड़ी रिटर्न नहीं होती है तो आपको कंपनसेशन मिलेगा अच्छा खासा बाइक के पैसों का। मतलब बाइक के पैसे मिल गए तो ऑब्वियसली ना बाइक रिटर्न देनी पड़ेगी। और दूसरी चीज़ कि आपका जो मेंटल आपको परेशान किया गया है उसके भी आपको पैसे मिलेंगे। तो यार ठीक है, उसके बाद में हम लोग लेंगे। इसके बाद आरी तो आप मुझे सजेस्ट करना कि आरी की दूसरी बाइक लूँ, सुपर मीटियोर लूँ, तो दूसरी सुपर मीटियोर लूँ या नहीं, या किसी और ब्रांड में जाऊँ। अगर मुझे जब पैसे मिलेंगे वो तो बात की बात है, अब 2 महीने 4 महीने 6 महीने 8 महीने जब तक मिले तब तक तो मुझे
बदतमीज़ से ही गाड़ी चलानी है। मुझे उन्होंने ये भी बोला था कि आप अपनी बाइक को थोड़ा संभाल के चलाना, कहीं से एक्सीडेंट वगैरह मत होने देना, क्योंकि वो लोग फिर कहेंगे कि देखो सर हमने बाइक जैसी दी थी इन्होंने वैसी हमें रिटर्न नहीं करी है, एक्सीडेंटल गाड़ी मुझे वापस दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें वकील साहब ने मुझे क्लियर करी हैं, तो आप मुझे सजेस्ट करना। मैं हर एक बात आप ही लोगों पर डाल देता हूँ कि आप लोग मुझे सजेस्ट करें, क्योंकि मैं तो रियली नया हूँ और मुझे ABCD भी नहीं पता किसी चीज़ की। आप मुझे बताएंगे वो काम मैं करूँगा, जो चीज़ मुझे लगती है वो मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। अब मैं कहीं पर बाइक रोकूँगा और आपको दिखाता हूँ कि इन लोगों ने मेरी बाइक के अंदर क्या क्या किया था। अभी लास्ट जब मैं बाइक लेकर आया हूँ तो इन लोगों ने मेरी बाइक के अंदर क्या क्या किया वो मैं आपको भी दिखाता हूँ कहीं गाड़ी रोक के। और फिर यहाँ से यू टर्न आने वाला है, यू टर्न लेके दूसरे रोड पे, इस वाले रोड पे करेंगे 120 का ब्रेक टेस्ट। ये 120 वाली आपने 60 सेकंड वाली देख ली, 60 सेकंड में 3 सेकंड में रुक जा रही है गाड़ी, 60 की स्पीड में, 80 की स्पीड में 4 सेकंड में, 100 की स्पीड में 5 सेकंड में, मतलब 20-20 का जो फ़र्क पड़ रहा है वो ऑलमोस्ट 1-1 सेकंड प्लस हो रहा है उसका, अगर आप देखेंगे तो। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ एक बार फिर से, यहाँ से यू टर्न लेते हैं, पहले 120 का टेस्ट करते हैं। Here we go. This is elevated road. So, 1, 2, 3. एक मिनट, आप लोग इस टेस्ट को ना करें, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप करें तो मेक श्योर रोड अच्छा हो, साफ हो, क्लीन हो। दूसरी चीज़, आप पूरे प्रॉपर राइडिंग गियर्स के साथ हों, प्रॉपर अच्छा ISI हेलमेट आपके पास हो। अब आप लोग मुझे ये बोलेंगे हाँ चल अपने बाप को मत सिखा, चल तो मैं आपको सिखा नहीं रहा हूँ, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि मैं भी इसी तरीके से करता हूँ। ओके, सो लेट्स ट्राई। मैंने आपको बोला है ना कि वाइब्रेशन होती है, तो वाइब्रेशन होनी शुरू हो गई है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया है अपनी वीडियोस में कि वाइब्रेशन होती है इसके अंदर, वो वाइब्रेशन शुरू हो चुकी है। 110 पे अच्छी खासी वाइब्रेशन हो रही है, हैंड मसाज चल रहा है मेरा। कॉन्फिडेंस नहीं आता इस बाइक के अंदर, 120 130 पे जैसा कॉन्फिडेंस स्पोर्ट्स बाइक देती है। सो इट्स 120, अब देखेंगे 120 पे ब्रेक मार के, जब मैं 3 बोलूंगा तब ब्रेक लगाना शुरू करूंगा। इट्स 1, 2, 3 स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑलमोस्ट 6 सेकंड। दूसरा अटेम्प्ट नहीं लूंगा क्योंकि हाथ की वाइब्रेशन हो चुकी है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, दिल से सॉरी। इसमें कॉन्फिडेंस भी नहीं आता 120-30 भगाने में, हवा बहुत तेज़ लगती है और सीरियसली कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो इसलिए मेरा दिल नहीं है इसे भगाने का दोबारा 120। जितनी जिस हिसाब से मैं भगा चुका वो बस एंड ऑफ इनफ है। मैं आपको बाइक रोक के दिखा देता हूँ कि मेरी बाइक में इन लोगों ने किया क्या क्या है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बाइक रोकते हैं यहाँ, सुनसान रोड है लेकिन 2-4 मिनट के लिए रोक लेते हैं, कोई बात नहीं। सो इन लोगों ने बाइक के अंदर जो किया है वो मेरे शॉकर आप देख सकते हैं वापस डाल दिए हैं। ये मेरे, जिन लोगों ने देखा होगा नए शॉकर डले थे तो रिफ्लेक्टर नहीं थे, तो मैंने उनसे बोला भाई अपने शॉकर निकाल लो, क्योंकि तुम्हारे शॉकर लगने के बाद भी जब गाड़ी राइट में पुल हो रही है तो मेरी चीज़ वापस लगा दो, ताकि कल को मैं बोल सकूं कि मेरी चीज़ जो मेरी गाड़ी के अंदर ख़राब पार्ट था वो मैंने अपनी गाड़ी में वापस लगवा लिया। इन्होंने मेरी गाड़ी में ये किया है, ये किया है। लेग गार्ड उतारा था इन लोगों ने मेरा, बोला लेग गार्ड आफ्टर मार्केट है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। मैंने कहा उतारो इसे पहली फुर्सत में, उतारो। उतारने के बाद कम से कम 4 घंटे चेक करिए गाड़ी कि किसी तरीके से तो सीधी चल जाए, मतलब ही नहीं बनता चली हो। इसे भी उतार दिया, उतारने के बाद और बताता हूँ आपको, लेग गार्ड उतार दिया, इसको मोबाइल माउंट को उतार दिया, दोनों शीशों को उतार दिया था, और ये जो आप लोगों ने बताया इसमें नए शॉकर डाल के भी इन्होंने चेक कर लिए थे, हुआ कुछ नहीं, गाड़ी राइट में ही पुल होती है, ठीक है। और अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, अगर आप, मैं इसको डबल स्टैंड पर लगा के दिखाता, मैं बैठ के दिखाता हूँ आपको, अगर आप भी मेरी बाइक को ध्यान से देखेंगे ना, अगर आप देखेंगे बैक रेस्ट को देखिए आप, तो आपको दिखेगा कि मेरी बाइक जो है सीरियसली मुझे जो फील हो रहा है वो चेसिस से बैंड ही है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। ओके,
रात हो रही है, मे बी ना दिखे, बस उन्होंने इतना ही कराया अभी तो। और उसके बाद उन्होंने मुझे वापस दे दी गाड़ी कि सर अब आप लीगली चले जाओ, लीगली केस कर लेते हैं आप भी और मैं भी। और हाँ देखो एक घटिया काम करा है यहाँ पर ना, अगर आप देखेंगे शायद मे बी आपको दिख रहा हो, मेरी उंगली दिख रही हो, हाँ दिख रही है, ये देखो ये इन्होंने क्या करा है, यहाँ पर वो कवर होता है शॉकर के, उनका शॉकर के जो ये इसे बेसिकली क्या कहेंगे, नट कहेंगे या टॉप एंड कहेंगे शॉकर का, इसका कवर होता है, इन्होंने वो भी निकाल लिया, वो भी नहीं लगाया निकालने के बाद। एक बात तो है, कोई सामान अगर आरी से निकल गया गलती से तो वो भी नहीं लगाते। ऐसी दो स्ट्रिप्स यहाँ होती हैं, दो स्ट्रिप्स यहाँ होती हैं, एक खोली होगी हैंडल बार निकालते के वक्त, वो भी लगाना भूल गए। तो यार पता है क्या है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप अपनी गाड़ी खुलवाओ ना, आप अपनी गाड़ी में काम कराओ तो अपनी आंखों के सामने कराओ, उनसे बोलो भाई मैं खड़ा होकर देखूँगा, मैं लाउंज वाउंज में नहीं बैठूँगा, मैंने महंगी चीज़ ली है 2-2.5 लाख 5 लाख 4 लाख जितने की भी, मैंने जो चीज़ ली है मैं तसल्ली से चेक करूँगा, अपनी आंखों के सामने देखूँगा जब आप काम करोगे। तुम यार काम कर रहे हो तो काम करने में दिक्कत क्या है, काम करो, क्या टेंशन है। देखो एक चीज़ और दिखानी थी, मैं बाइक चलाने लग गया लेकिन एक चीज़ और दिखाना भूल गया मैं आपको, मैं दिखाता हूँ आपको, गाड़ी करते हैं बंद, इसको लगाते हैं डबल स्टैंड पे, भारी है बहुत। हाँ देखो मैं अब इस पे बैठा, अगर आप देखोगे ना तो मैं ये हैंडल, ये बहुत हार्ड है इस वक्त, ठीक है, मैं इसको मूव कर रहा हूँ, इसकी मूवमेंट बहुत हार्ड है, ठीक है, जब ये मूवमेंट यहाँ पे टाइट है, मैंने इनसे भी बोला कि हैंडल की कौन सेट की दिक्कत भी हो सकती है, देखो इन्होंने हैंडल अच्छा खासा टाइट कर रखा है, और अगर हैंडल लूज़ कर देते हैं ना तो प्रॉब्लम क्या आती है, फिर यहाँ से ना हैंडल आवाज़ करता है इस जगह से, तो इन्हें इन्होंने टाइट कर रखा है। दूसरी मिटियोर के अंदर ये नहीं था, तो मैंने जब पूछा कि ये दूसरी मिटियोर में नहीं है भाई, मेरी में क्यों है, तो दे साइड कि सर किसी किसी बाइक में अभी नया है तो इसलिए अभी आपकी बाइक चलेगी तब पता चलेगा कितने दिन में ठीक होती है। ओ भाई मेरी बाइक 1300 किलोमीटर चलने वाली है, अभी 6 किलोमीटर के बाद 1300 किलोमीटर चल जाएगी, फिर उसके बाद में, और वो जो ट्राई वाली बाइक थी वो तो चली 200-220 के आसपास थी, 230-220, उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। जो इन लोगों का सिंपल सा रूल है और सिंपल सा फंडा है, और इन लोगों का नहीं मेरे ख्याल से यार हर सर्विस सेंटर का ही होगा ये, कि अगर कोई कमी है ना तो पहले उसे इग्नोर मारो जो फ्री में काम होने वाला है। अगर अभी मैं इनसे जाके बोल देता ना मुझे हैंडल कौन सेट में दिक्कत लग रही है इसे बदल दो, और जो पैसे हो जो भी खर्चा हो 5,000-10,000-8,000 जो भी हो आप मुझसे ले लो, तो ये पहली फुर्सत में मेरी गाड़ी लगा देते और इसको पूरा खोल के पूरा बदल देते, क्योंकि पैसे मिलने हैं, पार्ट डलना है, पैसे मिलने हैं, लेबर मिलनी है, सब मिलना है। और जहाँ फ्री की बात आती है कि यार अभी तो वारंटी में, तो कोशिश करते हैं अरे नहीं नहीं सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसी कोई टेंशन नहीं है, आपको लग रहा है आपका वहम है, आप पागल हो, आप सी हो, आप बी हो, आप ए हो, पता नहीं क्या क्या जो इनके दिल में आए, जो इनके मुंह में आए, बस बोलना है कि सर आपको लग रहा है आपका वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं। सो यार मैं तो इनसे दुखी हो गया हूँ, और मैंने आपको ब्रेक टेस्ट दिखाया है जो अभी तक किसी ने नहीं दिखाया है, तो आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने प्यारे भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ, जो लोग आरी लेना चाह रहे हैं या आरी की प्लान कर रहे हैं, ऑलरेडी आरी यूज़र्स हैं, उनको आप ये चीज़ दिखाएं। फर्स्ट इन द यूट्यूब, मैंने पहली मतलब पूरी रिसर्च मार के यूट्यूब पे कि किसी ने ब्रेक टेस्ट दिखाया तो नहीं है, तो हो सकता है बहुत कहीं किसी विदेश में किसी ने दिखाया हो तो बात अलग है, लेकिन मैंने अभी तक की रिसर्च में, आज तारीख है 21 मई 2023, रात के ऑलमोस्ट 2 बज रहे हैं, 21 मई का मतलब 22 मई लग चुकी है, तो अभी 22 मई तक मेरे हिसाब से मेरे सामने ऐसी कोई वीडियो नहीं आई जिसके अंदर किसी ने ऐसे ब्रेक टेस्ट दिखाया हो कि गाड़ी 0-60, 80, 100 and 120 पे कितनी रुकती है। बाकी आप लोगों से मोहब्बत मुझे ज़्यादा ही है, तो मैं एक बार और 120 वाला अटैम्प्ट करूँगा, लेट्स डू इट। बाइक हो गई है 120 पे, बाइक 120 पे हो गई है, मुझे गाड़ी रोकनी है पुलिस वालों से पहले, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑलमोस्ट, मैंने ऐसी ब्रेक्स किसी बाइक में नहीं देखी सीरियसली, ऑलमोस्ट वो 6 सेकंड से भी पहले रुक गई है, जी हाँ 6 सेकंड से भी पहले बाइक
रुक चुकी है। तो यार बहुत ही ज़्यादा ब्रेकिंग के लिए तो नो डाउट 10 में से अगर 12 नंबर देने का ऑप्शन होता तो मैं 10 में से 12 नंबर देता ब्रेक्स के लिए रॉयल इनफील्ड को। रॉयल इनफील्ड को मतलब इस गाड़ी के लिए, ना कि हर गाड़ी के लिए। मेरे पास क्लासिक भी है, उसमें ब्रेकिंग उतनी अच्छी नहीं है, और मैंने थंडरबर्ड भी यूज़ करी है, उसमें भी ब्रेकिंग उतनी अच्छी नहीं है। इवन मेरे पास इंटरसेप्टर भी है, उसका तो वीडियो ही मैंने सुबह को डाला है, उसमें भी ब्रेकिंग उतनी अच्छी नहीं है जितनी इसमें है, क्योंकि इसका पिस्टन डबल है, पीछे ब्रेकिंग कैलिपर का पिस्टन डबल है। तो यार रात हो गई है, बहुत ज़्यादा चलने का वक्त आ गया है घर पे, क्योंकि आप लोगों के लिए यार बहुत मुश्किल से मैं टाइम निकाल पाता हूँ। मैं सुबह अपने ऑफिस जाता हूँ ऑलमोस्ट 12, और तब वीडियो बनाता हूँ आपके लिए, फिर रात को घर आने के बाद वीडियो बनाता हूँ आपके लिए। और मेरी वीडियो की खासियत होती है कि मैं वीडियो में कटवट नहीं मारता कि मैं वीडियो बनाऊँ और उसके बाद में देखूँ कि यार यहाँ पे कट मार दो, यहाँ पे कट लगा दो। मैं अनकट वीडियो बनाता हूँ, पूरी एक ही वीडियो बनती है, कहीं से कहीं तक कोई कट का कोई रोल नहीं है। सो बहुत मेहनत लगती है, आप लोगों से सपोर्ट की उम्मीद है, और जैसा आप लोग कर रहे हैं बस आप लोग मुझे बताएं मुझे और कैसे कंटेंट लाने चाहिए, क्योंकि मैं नया हूँ, फिर से कह रहा हूँ, आप मुझे बताएं। एक भाई ने मुझे कमेंट किया, मुझे यार दिल से शुक्रिया उनका, उन्होंने मेरे को बोला भाई आप एक बात को चार बार रिपीट क्यों करते हो, सीरियसली कि आप एक बात को, जैसे आप देखो मैं दोबारा भी इस बात को रिपीट करने लग गया हूँ कि एक बात को चार बार रिपीट क्यों करते हो। यार ये मेरा नेचर है, मैं सीरियसली अगर ये कहूँगा कि अभी बारिश आ रही है तो फिर बाहर कहूँगा इट्स रेनिंग, कि बारिश भी हो रही है, रेन भी हो रही है, कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा सुधारेंगे अपने आप को। जब आप लोग बताते हैं तभी कुछ ना कुछ पता चलता है। अब आपको जैसा लगेगा उस तरीके से वीडियो बनाएंगे। एक पॉइंट को कोशिश करूँगा एक बार कवर करने की, दो बार नहीं बोलूँगा, ठीक है? तो आप खुश हो जाइए, मेरे सब्सक्राइबर जो मेरी फैमिली है वो खुश रहनी चाहिए, मुझे अपने सब्सक्राइबर्स से मोहब्बत है। अभी थोड़े हैं, आगे फैमिली बड़ी भी होगी। अब जब बड़ी फैमिली होती है तो सबके लिए सब कुछ करना तो मुश्किल है, लेकिन जितना कर सकेंगे उतना ज़रूर करेंगे। इसी के साथ लेता हूँ मैं अलविदा, करते हैं इस वीडियो को एंड, ऑलमोस्ट 2 बज चुके हैं, घर जाने का टाइम है। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। कीप वॉचिंग सुपर बाइक पायलट, शेयर, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, जस्ट बिकॉज